साथ राजनीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिवस कल का युवा का कल का भविष्य के लिए होता है, लेकिन अफसोस झारखंड के युवाओं का कल का काला दिन और कल का भविष्य का बर्बादी के लिए कल जो झारखंड के मुख्य सचिव माननीय सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में जो बैठक की गई थी नियोजन नीति को लेकर के विभिन्न विभाग के सचिव उपस्थित थे और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि झारखंड के तमाम जो नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, चाहे वो कुमाली हो, पांच प्रगनिया हो, कोठा हो, नागपुरी हो, मुंडारी हो, संथाली हो, कुड़ुक हो, ये तमाम भाषाओं को जो है कि सिलेबस से बाहर करने का साजिश रचा जा रहा है और यहाँ न खतियान, न मैट्रिक, न इंटर, सबको खत्म कर दिया गया। इसीलिए आज हम लोग झारखंड के मुख्य सचिव माननीय सुखदेव सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किए हैं। पुतला दहन इसलिए किए हैं कि कल जो बैठक हुई थी उस बैठक को तत्काल वापस लीजिए और जो निर्णय लिया था उस निर्णय को भी वापस लीजिए और झारखंड के जो नौ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है जो उस भाषा ये को अनिवार्य रूप से लागू करिए, वैकल्पिक रूप से नहीं और विकल्प रूप में उड़िया वालों के लिए उड़िया, बंगला वालों के लिए बंगला, उड़िया वालों के लिए उर्दू, हिंदी इंग्लिश नहीं चलेगा। तो झारखंड के जो नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है जो कुरमाली है, मुंडारी है, हो है, संथाली है, कुरुक है, खोटा है, इसको अनिवार्य रूप से लागू करिए। इस प्रकार बंगाल में बिना बिना बंगला का कोई चपरासी भी नहीं बन सकता है, उड़ीसा में बिना उड़िया का कोई चपरासी का पानी बांटने और झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में बिना मराठी का नहीं, गुजरात में बिना गुजराती का नहीं, झारखंड किसके लिए जब बंगाल बंगालियों के लिए, उड़ीसा उड़िया वालों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए, तो झारखंड किसी का बाप का है क्या है? और यह जो है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, इसलिए हम आज इस पुतला दहन के माध्यम से कह रहे हैं कि कल का बैठक का निर्णय को वापस लीजिए और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से अगर छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा तो सुन लीजिए सुखदेव सिंह चीफ जस्टिस महोदय, अगर ये स्टेट है झारखंड, झारखंड अगर स्टेट है और स्टेट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और स्टेट का चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह है और स्टेट का पॉलिसी बाहर राज्यों के लिए चलेगा, तो हम कह देना चाहते हैं कि झारखंड का भौगोलिक कभी मिला हटाओ और हमको बिहार में मिलाओ। हमको बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण भी मिल रहा है और बिहार में खतियान आधारित नियोजन नीति भी लागू है, आप उसका जीता जागता देख रहे हैं। ये लेटर जो बिहार सरकार का 3 मार्च 1982 का लेटर है, जो लेटर नंबर आपका 50/14/81/806, यह लेटर स्पष्ट बोलता है कि जो स्थानीय होगा बिहार का वो जिला के आधार पे परिभाषित किया गया है और जिस जिला का अंतिम सर्वे सेटलमेंट जिसका जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाएगा और इसी के आधार पे वहाँ नियुक्ति होता है और इसी लेटर को जो है कि 22 सितंबर 2001 को जो संकल्प अधिसूचना जारी किया गया था कार्मिक विभाग से कि ये बिहार वाला जो लेटर है उसको इस संशोधित के साथ झारखंड में लागू किया जाता है कि जो बिहार शब्द है उसको झारखंड किया जाए। अरे भाई एक लेटर को खाली अंगीकृत करना है और आप लोग कोर्ट कचहरी का हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दौरा लगा रहे हैं, बिना मतलब का नाटक किया जा रहा है। कहा जाता है ना कि झारखंडी छात्र को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि जरा परीक्षा पूछो करा के लिख गए। आपको आप लोग को याद होगा कि जब प्यासे बहुत तड़पता है उसके पास पीने के लिए पानी नहीं होता है तो मजबूरी में किसी का पेशाब भी पीता है, उसी प्रकार झारखंड के छात्र 7 साल से परीक्षा नहीं दी है, हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं, फिर से देना चाहते हैं। आप झारखंड के नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करिए और बिहार के तट पे स्थानीय नीति लागू करिए, आज क्या परीक्षा देंगे, फूल तैयारी है, लेकिन आप हमें छेड़छाड़ करिएगा तो हम लोग मर जाएंगे लेकिन पानी की जगह पेशाब नहीं पियेंगे और हम मर जाएंगे लेकिन आजीवन बुढ़ा के बर्बाद होकर मर जाएंगे लेकिन अपनी माटी से सौदा नहीं करेंगे। और जब तक यहाँ के छात्र के हित में नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री सुन ले, अगर इस राज्य में मुख्यमंत्री होगा, चीफ जस्टिस होगा, जस्टिस सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, यहाँ उच्च न्यायालय होगा, यहाँ मंत्रालय होगा, यहाँ विधानसभा होगा, तो पॉलिसी भी
झारखंड के हित में होगा और ऐसी बाहर का हित में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।